नाम तो बता दो दोनों के। ये चश्मा वो है पांडे। ये चश्मा वो पांडे। कराची वालों में शौक पाया जाता है, कुछ लोग बकरे पालते हैं बड़े अच्छी नस्ल के, कुछ लोग जो हैं वो जो बिल्कुल बहुत ही छोटा बच्चा होता है वो लोग के पालते हैं। तो बस एक शौक है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो जानवर ये के लेके रख लेते हैं, जैसे अगले साल का भी जो है वो लेके रख लिए दोनों। ये ऐसी चीज़ है जो कि बचपन के शौक हैं और ये हमारा शौक है और पूरे साल जो है इनको पलवाते हैं और जब भी मौका मिलता है, जैसे अभी 2-3 दिन मिले तो पूरा टाइम इनके साथ गुजारने की कोशिश की है और अपना भरपूर जो है टाइम इन्जॉय किया इनके साथ। देखा शौक बचपन से ही था, मंडी जाते थे जानवर लेके आते थे 20-22 दिन पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो जानवर ये के लेके रख लेते हैं, जैसे अगले साल का भी जो है वो लेके रख लिए दोनों, तो पूरे साल पलवाते हैं, फिर इसको घर पर लेके आते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं और फिर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करते हैं। बहुत टाइम बाद जो है वो ऐसे टाइम गुजारने का मौका मिल रहा है, तो जितने भी दिन मिले उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है और बस अब जाएंगे इंशाल्लाह टूर पे और हमारे पीछे ये इंशाल्लाह ईद के बड़े दिन जो कुर्बान हो जाएंगे ये लोग। जानवर की कॉस्ट की तो हम कोशिश करते हैं अच्छी कॉस्ट मिले, ज़्यादा महंगे ना पड़े, और इसमें सारा कमाल जो है वो जो हमारे पालने वाले हैं राणा कैटल के अदनान भाई, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से पालते हैं और जहाँ तक रही बीमारी का देखें वो तो चलता रहता है, जैसे अभी कोविड आया था तो उससे भी लोग निकल गए, लंबी आई थी, आए थे जानवर बिल्कुल आए थे, हमारा भी आए थे लेकिन अल्लाह ताला ने उसको सेहत दी और वो निकल आया उसमें से। ये पूरा दिन जो है वो साथ रहते हैं और बस इन्जॉय करते हैं। नाम तो बता दो दोनों के। पांडे। चश्मा वो पांडे। तो हर जानवर के कोई ना कोई जो है वो नाम होते हैं, तो ये अदनान साहब हैं, उन्होंने जब पांडे में जब वो जाते हैं बाड़े में जानवर तो हर किसी का नाम जो है रख देते हैं, तो वो यही नाम उनके दिए गए हैं, तो ये दोनों नाम उनके चल रहे हैं चश्मे और पांडे। नहीं, अगले साल के जानवर बिल्कुल ले लिए हैं, उनका नाम है दिलवर जानी, इंशाल्लाह वो अगले साल आएंगे, और दूसरे का भी रख रहे हैं नाम। जब भी कराची में होते हैं तो बाड़े पर जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बिफोर और आफ्टर की काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो बिफोर भी देखते हैं और आफ्टर भी देखते हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ये एक शौक है, ये ऐसी बात है, शौक है जिसके अंदर शौक होता है। आपने देखा बहुत से लोग ऐसे हैं कराची में जो कि छतों पे पालते हैं जानवर, और लोगों का अपना अपना शौक है और कराची वालों में शौक पाया जाता है, कुछ लोग बकरे पालते हैं बड़े अच्छी नस्ल के, कुछ लोग जो हैं वो जो बिल्कुल बहुत ही छोटा बच्चा होता है वो लोग के पालते हैं। तो बस एक शौक है, बस वो शौक शौक में जो है अपना उसको शौक पूरा करते हैं और बस मज़ा इन्जॉय करते हैं। हर चीज़ के लिहाज से इंसान को अपनी सारी चीज़ें देखते हुए हर काम करना चाहिए, और तो कोशिश भी ये होती है, देखें हमारी भी ये कोशिश कि जितना भी कोच होता है वो ज़्यादातर जो है वो मुस्तहकिन लोगों में ही कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँचे, तो सबको यही है, ऐसे मीठी ईद होती है तो सबको साथ लेके चलना चाहिए, ऐसे ईदुल अज़हा भी है इसको भी सबको साथ लेके चलना चाहिए। देखिए वो टाइम के साथ चलता है, एक टाइम आता है कि आपको थोड़ा खाना भी पड़ता है, ट्रेनिंग अगर आप ट्रेनिंग करते रहें तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए थोड़ा खाते हैं लेकिन हल्के हाथ से खाते हैं।